हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं आपका मेरे YouTube चैनल में मैकेनिकल कॉन्स्ट्रक्ट में। एक और नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे कि टाटा LPT 1212 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन और इसके आउटलुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये गाड़ी टाटा LPT 1212 स्मॉल सेगमेंट में आ जाती है, जो कि छोटे माल ढोने के लिए काम बहुत ही ज़्यादा कारीगर हैं। यह गाड़ी टाटा की बहुत ही अच्छी मॉडल साबित हुई है टाटा के मामले में, और ये 1212 अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट गाड़ी है। इसके साथ ही इसके फीचर बहुत ही ज़्यादा एडवांस देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो फ्रंट में हमें टाटा एक क्रोम फिनिशिंग में लुक देखने को मिल जाती है, और उसके बाद हमारा जो टाटा का लोगो है वो भी क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके साथ हमें ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिससे एयर का काफ़ी अच्छा फ्लो बन जाता है। साथ में हमें इसकी साइड में देखने को मिल जाता है हमें नॉर्मल लैंप, और साथ में हमें मिल जाता है इंडिकेटर देखने के लिए, जो दोनों साइड दिए गए हैं। और साथ ही हमें टाटा की बैजिंग के ऊपर देखने को मिल जाती है हमें रिफ्लेक्टर, जो कि वाइट कलर का है, जो फॉग के टाइम में बहुत ही अच्छे से काम आता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग के लिए। और उसके रिफ्लेक्टर के ठीक ऊपर में हमें यहाँ पे 1212 की बैचिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही हमारे ऊपर यहाँ पे जो है दो ग्रैब हैंडल लगे हैं, जिसकी मदद से हमारा ड्राइवर जो है ऊपर चढ़ के विंडशील्ड साफ कर सकता है। विंडशील्ड की बात हो रही है तो विंडशील्ड में दो बहुत ही बड़े हमारे वाइपर प्लेट्स लगे हुए हैं। विंडशील्ड के ऊपर हमारे ड्राइवर को इस गाड़ी में पूरा कोई भी हमारा ब्लाइंड स्पॉट नहीं रखा गया है। इसके लिए इसमें जगह जगह पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे सर के ऊपर भी ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा हुआ है, जिससे कि ड्राइवर हमारे आगे जो भी गाड़ी खड़ी होगी उसको इजीली देख सकता है। इसके साथ ही पूरे गाड़ी में हमें 6 मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, 2 ड्राइवर साइड देखने को मिल जाते हैं, 2-3 कनेक्टर साइड देखने को मिल जाते हैं। एक हमारा ड्राइवर साइड हमारा नॉर्मल शीशा है, और दूसरा हमारा वाइल्ड एंगल शीशा है, और ड्राइवर साइड हमें एक नॉर्मल शीशा देखने को मिल जाता है, और 2 वाइल्ड शीशे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर नीचे हमें या सेंटर में हमें जो अपनी टोइंग हुक है वो देखने को मिल जाती है, जो कि पहले से हमें चेंजिंग देखने को मिल जाती है इसमें बहुत बड़ी। और साइड में हमें देखने को मिल जाते हैं 2 एक्स्ट्रा पोर्ट देखने को मिल जाते हैं हमारी लाइट लगाने के लिए। और साथ ही इसके साथ ही हमें देखने को मिल जाता है नीचे रिफ्लेक्टर, 2 रिफ्लेक्टर दोनों साइड देखने को मिल जाता है, और एक नीचे बहुत ही हैवी बम्पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड विंडो की साइड और नीचे फुटरेस्ट की बात करते हैं। तो फुटरेस्ट इसका ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ही कम दिया गया है, मतलब नॉर्मल है, मतलब इतना भी नहीं है कि हमारी गाड़ी नीचे टच हो जाए, पर इतना है कि हमारा ड्राइवर इजीली चढ़ उतर सकता है। और इसके जो फुटरेस्ट है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है, जिससे ड्राइवर को चढ़ने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर बात करें और इसमें ड्राइवर साइड विंडो में हमें आउटसाइड क्या देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर हमें एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर हमें एक और येलो कलर की पट्टी देखने को मिल जाती है, जो रिफ्लेक्टर है, साइड के रिफ्लेक्टर है। और यहाँ पे हमें डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। और बात करें शीशे की, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, तो यहाँ पे हमें एक नॉर्मल शीशा देखने को मिल जाता है, और एक हमारा वाइल्ड शीशा देखने को मिल जाता है। नीचे बात करें इसके टायर की साइज़ की, तो टायर का साइज़ हमें इसके देखने को मिल जाता है 8.25 R20, जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही बड़ा टायर लगाया गया है। पहले के मुकाबले BS4 में इस सेगमेंट में इतना बड़ा टायर किसी भी गाड़ी में नहीं था। ये इस गाड़ी में बहुत ही बड़े टायर लगाया गया है, जिससे हमारा लोड को ढोने की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेयरिंग ऑयल की, तो स्टेयरिंग ऑयल हमारा स्टेयरिंग कैबिन के टिल्ड कैबिन के पीछे लगा हुआ है। और इसका हम आपको एक और बात प्लस करना चाहते हैं कि इसमें हमें कैबिन जो है टिल्ड कैबिन मिल जाता है, जो इजीली ड्राइवर आराम से उठा सकता है। और यहाँ पे हमें सेफ्टी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें साइड में गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी गार्ड है, और जिससे हमारा जो भी मतलब अगर बाई चांस हमारा एक्सीडेंट होने का खतरा होगा, तो इससे जो बाइक वाला या कोई भी है, तो इससे आगे हमारा उसमें टच होके वो बच सकता है। अगर बात करें इसके डेप्थ टैंक की, तो डेप्थ टैंक हमें 20 लीटर का डेप्थ टैंक देखने को मिल जाता है। और बात करें अगर इसके डीजल टैंक की बात करें, तो इसमें 160 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है,
प्लस इसमें हमें देखने को मिल जाता है ATI सिस्टम, जो कि एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो यूडियो को जमने नहीं देता है। अगर बात करें पीछे बैक साइड की, तो बैक साइड में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दो नॉर्मल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, और प्लस 5 इसमें हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें सेंटर में दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे 5 प्लस लगे हुए सेंसर, 1, 2, 3, 4, 5 दोनों साइड 5 सेंसर लगे हुए हैं, और नीचे बड़ा सा एक बम्पर देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 20 लाख से 22 लाख के बीच बीच में है, और इसका ऑन रोड प्राइस आप जाके अपने नियर बाई डीलरशिप से पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस जो है स्टेट बाई स्टेट चेंज होता रहता है। अगर बात करें इसके इंजन के बारे में, तो इसका इंजन 123 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके ग्रॉस व्हीकल वेट के बारे में, तो इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 11,900 ग्रॉस व्हीकल वेट है। और बात करें इसकी माइलेज के बारे में, तो माइलेज इसकी 7 से 8 के बीच में इसकी माइलेज है। और इंजन के बारे में बात करें, इसमें 3.3 लीटर का इंजन देखने में मिल जाता है, और फ्यूल टैंक के बारे में 160 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 160 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। यह गाड़ी हमें चेसी विद कैबिन देखने को मिल जाती है। और बात करें इसकी पेलोड कैपेसिटी के बारे में, तो इसकी पेलोड कैपेसिटी है 6,803 kg। अगर बात करें इसके फ्यूल टाइप की, तो फ्यूल टाइप हमें डीजल में देखने को मिल जाती है गाड़ी, साथ में ये गाड़ी BS6 में अवेलेबल है। अगर बात करें इसकी टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क 390 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसका इंजन हमें 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड हमें 80 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल जाती है। अगर ओवरऑल लेंथ के बारे में बात करें, तो हमें 7,035 ओवरऑल लेंथ mm में देखने को मिल जाती है। और अगर ऑल ओवर विड्थ की बात करें, तो इसकी 2315 ऑल ओवर विड्थ mm है, और हाइट की बात करें तो 3100 हाइट mm है, और ग्राउंड क्लीनेस की बात करें तो 225 mm ग्राउंड क्लीनेस है, और व्हील बेस की बात करें तो हमें 3600 mm इसकी व्हील बेस देखने को मिल जाता है। 6 चक्की गाड़ी होने के बावजूद इसकी अगर लेंथ की बात करें, तो हम 5182 यानी 17 फीट देखने को मिल जाती है, और विड्थ की बात करें तो हमें 2175 विड्थ देखने को मिल जाती है। अगर हाइट की बात करें, तो 1835 हाइट देखने को मिल जाती है। और गियर बॉक्स की बात करें, तो मैनुअल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाती है। और पेलोड की बात करें, तो पेलोड कैपेसिटी इसकी 3,603 kg है। क्लच प्लेट की बात करें, तो इसमें हमें 330 डाई की क्लच प्लेट देखने को मिल जाती है, प्लस इसके साथ ही हमें पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी नॉन एसी में आती है, और इसमें हमें टिल्ट स्टीयरिंग भी देखने को मिल जाती है, प्लस इसके साथ ही हमें एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है। अगर बात करें ब्रेक्स की, तो ब्रेक हमें एयर ब्रेक देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें, तो बैटरी हमें इसमें 12 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है, यानी 100 एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ये थी हमारी टाटा 12 LPT सेगमेंट की गाड़ी। तो कैसी लगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आते रहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी और नई गाड़ी की वीडियो चाहिए, तो आप हम आपके लिए उस गाड़ी की वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।